एक्चुअली मीडियम्स बढ़ गए हैं, आउटलेट तो बहुत सारे हैं. इवन एज अ सिंगर फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ, इंटरनेट की वजह से एक सिंगर को अपना गाना जो है बनाना आसान हो गया है, लोगों तक पहुँचाना बहुत आसान हो गया है, चाहे वो खुद बनाए या फिर एक लेबल के साथ या एक चैनल के साथ. इन द सेम वे इवन फॉर एन एक्टर या फिर एक रियलिटी शो के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके लिए भी ऑब्वियसली मीडियम्स बहुत ज़्यादा खुल गए हैं, क्योंकि इतने सारे चैनल्स हैं. अगर 6 मेन चैनल्स हैं, उनके सब्सिडरी चैनल्स हैं, मतलब 12, 50, 25, यू नेवर नो हाउ मेनी चैनल्स आर देयर. इंटरनेट इज़ बूमिंग, बट एट द सेम टाइम ये भी याद रखना होगा कि कॉम्पिटिशन भी उतना ही ज़्यादा बढ़ते जा रहा है. एंड द ओनली वे आई वुड से कि आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, आपके पास आउटलेट्स बहुत हैं, लेकिन द ओनली थिंग दैट विल मेक यू सक्सेसफुल इज समथिंग दैट सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम एवरीबडी एल्स. एंड वो सेट्स दैट एक्स फैक्टर और व्हाटएवर दैट स्पेशल थिंग इज दैट नोबडी कैन टेल यू व्हाट इट इज. दैट इज समथिंग दैट आप जब प्रिपेयर करते जा रहे हैं आप खुद ही समझेंगे, या शायद आपके बहुत क्लोज करीबी लोग हैं वो आपको समझा पाएंगे कि ऐसी क्या चीज़ है. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ टाइगर श्रॉफ, उनकी खासियत क्या है, ही इज़ अ वेरी वेरी गुड मार्शल आर्टिस्ट, ही इज़ अ वेरी वेरी गुड डांसर. एंड चलो डांसर्स तो हमारे पास बहुत अच्छे सारे हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो मार्शल आर्ट्स में और ऑल दोज पार्कर एंड ऑल दोज स्टंट्स दैट ही डज, ऐसा कोई है नहीं उस इंडस्ट्री में. सो ही इज़ द वन हु सेट दैट बेंचमार्क कि ये मेरा अलग है, मैं एक्टर तो हूँ ही, मैं डांसर तो बहुत अच्छा हूँ ही, लेकिन ये मैं अलग से करूँगा, दैट इज़ माई स्टैंड. सो ऑल ऑफ अस हैव टू फाइंड दैट ओन थिंग. मेरे ख्याल से मेरा शायद ये है कि मैं एक एक्टर भी हूँ, एक सिंगर भी हूँ, एक होस्ट भी हूँ, एंड दीज थिंग्स जस्ट हैपन ओवर टाइम. मैं जब आया था आई जस्ट वॉन्टेड टू बी अ सिंगर, बट विद टाइम यू रियलाइज दैट देर आर सम मोर फैसेट्स टू यू, देर आर मोर थिंग्स दैट यू आर केपेबल ऑफ डूइंग. सो जो कुछ भी है फॉर होपफुल्स एंड फॉर न्यू पीपल, यू विल हैव टू फाइंड दैट आउट फॉर योरसेल्फ, यू हैव टू डिस्कवर इट. वेल, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग अ ट्रैवल शो. सो इसमें ये शो का नाम है स्विस मेड एडवेंचर्स एंड स्पॉन्सर्ड बाय द स्विस टूरिज्म बोर्ड. एंड इसमें मैं और शुमोना चक्रवर्ती और शेफ कुणाल कपूर, हम तीन गए थे स्विट्जरलैंड, एंड हम तीनों अलग अलग चीज़ों का एक्सप्लोर कर रहे हैं. सो कुणाल ऑब्वियसली इज एक्सप्लोरिंग द फूड बेसिस ऑफ इट, शुमोना इज गोइंग फॉर द थ्रिल्स, आई एम गोइंग फॉर एवरीथिंग दैट इज बॉलीवुड अबाउट स्विट्जरलैंड. क्योंकि स्विट्जरलैंड में ऑब्वियसली आई थिंक द फर्स्ट टाइम स्विट्जरलैंड गॉट वेरी फेमस फॉर इंडिया वॉज वेन अ लॉट ऑफ यशराज फिल्म जो शॉट आउट है. तो कोइंसिडेंस की बात है कि मेरे भी काफ़ी ज़्यादातर के एक्चुअली मैंने तीनों फिल्में अभी तक जो की हैं वो सब यशराज के साथ हुई हैं. एंड उस तरह से उन फिल्मों को ट्रेस करना कि DDLJ कहाँ पे शूट हुई थी, कौन से ट्रेन स्टेशन पे राजू सिमरन पहली बार मिले, कौन से ब्रिज पे पलट वाला डायलॉग हुआ, रणबीर कपूर जब हस्की स्लेट पे जा रहे थे वो कहाँ पे हुआ, एंड साथ साथ में ऑब्वियसली खाना पीना, चॉकलेट्स, एडवेंचर, ये सारी चीज़ें हैं. एंड मेरे नज़रिए से ऑडियंस को दिखाना, दिस इज़ वॉट द शो इज़ अबाउट.